सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस के घर में पिछले हफ्ते हुए कैप्टेंसी टास्क यानी कि ब्रेकिंग न्यूज टास्क के दौरान रिपोर्टर बनी सुरभि राणा ने श्री संत से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे लेकर श्री संत काफी कंट्रोवर्सी से घिरे रहे थे। दरअसल इस दौरान श्री संत ने आईपीएल 2008 के दौरान मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के दौरान हरभजन सिंह का श्री संत को थप्पड़ मारने वाला इंसिडेंट के बारे में उन्होंने बताया अपने तरीके से, और इसको लेकर उन्होंने कहा था कि हरभजन सिंह मुझे जानबूझकर मारना चाहते थे और उन्होंने इसलिए मुझे मारा, और वो रोने वाली बात उस वक्त में हेल्पलेस और उस हेल्पलेसनेस में मैं रोया था। अब उसको लेकर हरभजन सिंह का एक स्टेटमेंट सामने आया है। दरअसल इस इंसिडेंट को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी और ये दोनों ही खिलाड़ी कई दिनों तक चर्चाओं में बने रहे थे। अब हमने श्री संत का तो व्यू जान ही लिया है इस इंसिडेंट पर, और इसी इंसिडेंट पर अब जान लेते हैं कि हरभजन सिंह के व्यू क्या है। खैर, कुछ सालों पहले इंडिया टीवी के फेमस शो आपकी अदालत के दौरान इस इंसिडेंट पर बात करते हुए हरभजन सिंह ने कहा था कि उस दौरान श्री संत ने नौटंकी बहुत ज्यादा कर दी थी। मैं मानता हूँ कि उस दौरान मेरी गलती थी। श्री संत वाला वो एपिसोड मेरी जिंदगी की उन्हीं गलतियों में से एक है और उसके लिए मैं आज भी काफी शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने उसे इतनी जोर से भी नहीं मारा था कि वो रोने ही लगे। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर श्री संत और हरभजन सिंह, हम इन दोनों के व्यूज पता चल गए हैं। अब आप हमें बताएं कि आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ये बताना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।